वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण और तीसरा ध्वनि प्रदूषण। आज हम ध्वनि प्रदूषण की बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमारे शहर में वाहनों की वजह से, मशीनों की वजह से और अलग अलग प्रकार के वाजेंत्र, लाउड स्पीकर और डिजिटल साउंड सिस्टम, उनकी वजह से शहर में शोर बहुत होता है और इस शोर से हमारे स्वास्थ्य पर इसका बड़ा ख़राब असर पड़ता है। जो लोग अपना काम करना चाहते हैं वो शोर की वजह से उनकी उत्पादकता कम हो जाती है, जो पढ़ना चाहते हैं उनके पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है, जो बीमार होते हैं उनको तकलीफ़ होती है, जो वृद्ध हैं उनको तकलीफ़ होती है, बच्चों को तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि जानवरों को भी अपने प्रदूषण से बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है कि अपने अपने स्तर पर कैसे अपने आसपास आवाज़ को कम किया जा सके उसकी तरफ ध्यान दें। हमने शहर के अंदर रात के 10 बजे के बाद बिना पुलिस की परमिशन के किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर या डिजिटल साउंड सिस्टम, जिसको DJ कहते हैं, वो बजाया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत शिकायतें ऐसी आती हैं कि रात के 10 बजे के बाद भी काफ़ी देर तक इस तरह के साउंड सिस्टम चालू रहते हैं और आसपास रहने वालों को बड़ी तकलीफ़ होती है। आप सबको पता है कि अभी एग्ज़ामिनेशन का टाइम के तैयारी का टाइम चल रहा है, 2 महीने बाद बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं और वो बच्चे पूरे साल अपनी मेहनत करके और ट्यूशन क्लास वगैरह में जाके तैयारी करते हैं। अभी रात को अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो ये जो लाउड स्पीकर और DJ बजते हैं उनसे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स हैं या जहाँ पे लोग रहते हैं, थके पूरे दिन काम करके थक के जब घर पे आते हैं तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको आराम मिले, उसको शांति से सोने का समय मिले। लेकिन अगर 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक आप लाउड स्पीकर शादी की वजह से, किसी और कारण से और प्रसंग की वजह से बजाए रखेंगे तो कोई भी आदमी आराम नहीं कर सकता है। मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है कि इस बारे में सोचें और आप अपने इलाके में 10 बजे के बाद कोई भी सिस्टम बजाए नहीं। इसी तरह से हमने पुलिस स्टेशन में भी बहुत सख्त निर्देश दे दिए हैं आज से कि अगर 10 बजे के बाद में बिना परमिशन के कोई भी लाउड स्पीकर या कोई DJ बजता हुआ दिखाई देगा, सुनाई देगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई करके और उस सिस्टम को जब्त किया जाएगा। आज से हम इसके बारे में बहुत सख्ती करने वाले हैं, इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि हमें ऐसा करने का मौका नहीं दें। साथ में एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं या मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं तो बिना वजह हॉर्न मत बजाइए। खाली हॉर्न बजाने से आपको आगे रास्ता नहीं मिल जाएगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि हॉर्न का उपयोग बहुत रेयर केस में किया जाए। सभी नागरिकों से निवेदन है कि इस तरफ भी ध्यान दें। तो यही बात मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि हमने जो ध्वनि मर्यादा नक्की करी है कि औद्योगिक विस्तारों में सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक 75 डेसिबल तक का नॉइज़ किया जा सकता है और रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसको रिड्यूस करके 70 डेसिबल तक लाना होगा। इसी तरह से कमर्शियल एरिया में डेसिबल लिमिट 65 और 55 है और जे